नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। खबर अमेठी से आ रही है। अमेठी सांसद स्मृति रानी के द्वारा ई चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं का किया जा रहा है समाधान। आपको बताते चलें कि अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति रानी जी के द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान लगातार ई चौपाल के माध्यम से किया जा रहा है। उसी क्रम में आज जगदीशपुर विकास खंड के हंसवासुर वन ग्राम सभा में ई चौपाल का आयोजन किया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से लोगों की बात सांसद स्मृति रानी क्षेत्र नहीं हो पाई। खंड विकास अधिकारी जगदीशपुर से बात करने पर पता चला कि यहां के लोगों की आवासीय कॉलोनी व पेंशन की समस्या है, जिसका निस्तारण जांच करके 2 से 3 दिन में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जिला परियोजना अधिकारी अमेठी, खंड विकास अधिकारी जगदीशपुर, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान व ग्राम सभा के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मध्यांचल ब्यूरो राम प्रसाद शुक्ला के साथ अमेठी से ओम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। आज हम पहुंचे हैं जगदीशपुर विकास खंड के हसवासुरन ग्राम सभा में। यहाँ हम ई चौपाल का आयोजन किया गया था अमेठी सांसद स्मृति रानी जी द्वारा। देखते हैं यहाँ के लोगों से हम जानकारी लेते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और उनकी समस्याओं का कितना निस्तारण करने के लिए अधिकारीगण जो आए थे डिस्ट्रिक्ट के, वो क्या क्या उनको समाधान करने के लिए निराधार दिए। समस्या है आपकी? चाहिए हमारे हस्बैंड भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, कुछ हमें काम चाहिए जो जिससे हमारे दो बच्चे हैं उनका हो सके। तो आपने दीदी जी से क्या मांगा है? दीदी जी से हम ये मांगा है कि हमें कुछ काम चाहिए और हमारी पेंशन हो जाए। वो तो हो गई, ऑनलाइन भुगतान भी करवा दिए हैं। हाँ, बाकी तो हमें ये चाहिए कि काम करें और सिलाई मशीन के लिए बोले। हमें कालर भी आता है, सिलाई भी आती है, हम पढ़े भी हैं। यहाँ पे ये चौपाल अभी लगी थी, क्या समस्या थी? हमारी समस्या सड़क का है और उसका नाली टूटी हुई थी। मैं पिछली बार जब दोबारा हुआ है, पहली बार जब हुआ था इसमें एप्लीकेशन दिया था, उसका अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ विकास काम हो। दीदी ने आपको आश्वासन दिया कि नहीं दिया भी? दीदी से बात ही नहीं हुई। क्या दिक्कत है, किस वजह से दीदी से बात नहीं हो पाई आपकी? यहाँ टावर भी नहीं है, दूसरी चीज़ अधिकारी ने भी हमको बुलाया भी नहीं है। जो भी कार्यक्रम यहाँ पे था ये चौपाल का, तो इसमें ग्राम वासियों को क्या क्या समस्या आई है? हाँ, बेसिकली इसमें जो लोगों की शिकायतें हैं आवास को लेकर हैं, पेंशन को लेकर हैं, या यहाँ पे जो है नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसको लेकर है। दो एप्लीकेशन आई हैं जो जिनको इलाज की ज़रूरत है, वो अपना इलाज कराने में असमर्थ हैं। तो ये सारी समस्याएं आई हैं, इनको उचित माध्यम से इनका समाधान करा दिया जाएगा। जी, तो मैम इस कार्यक्रम में कौन कौन जिला के जो अधिकारी थे, कौन कौन आए थे? जिले स्तर में परियोजना निदेशक अफसर थे, जिनको हम पीडी बोलते हैं, और CBO साहब थे, और बाकी मैं हूँ और बाकी स्टाफ हमारा था। जी, कितने दिन तक मैम ये हो जाएगा इनका निस्तारण? प्रायोरिटी पे है, विद इन 3 डेज में हम लोगों का रहेगा। देखिए, कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिनको इनको लाभ चाहिए। आवास की जैसे कोई बात कर रहा है तो आवास में भी तो उनका पात्रता सूची में नाम होना चाहिए। अगर आवास प्लस में नाम है और आवास के लिए पात्र हैं, तो जब टारगेट आएगा तभी उसका समाधान किया जा सकता है। और जिन लोगों के आवास प्लस सूची में नाम नहीं है, उनका देख लिया जाएगा। आवास के लिए पात्र हैं अगर, तो उनकी सूची बनवा दी जाएगी। जैसे ही आवास प्लस साइट ओपन होगी, उसमें उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। लेकिन वो लाभ तभी मिलेगा जब टारगेट हमारे पास आएगा, उसके बाद वरीयता क्रम बनेगा, उसके बाद वो लाभ पाएंगे। थैंक यू।